नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों का स्वागत करने मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 7 मई तक की, फर्स्ट से लेके 7 मई तक। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। क्वीन ऑफ पैंटकल्स, किंग ऑफ पैंटकल्स, टेन ऑफ सोर्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपकी उनकी करंट एनर्जी क्वीन ऑफ पैंटकल्स, किंग ऑफ पैंटकल्स एंड टेन ऑफ सोर्स। ये बंदा या बंदी फर्स्ट तो ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। इनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी कीमत पर। इनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि आपसे इनको धोखा मिला है, परेशानी मिली है। जो ये चाहते थे उसके अलावा सिर्फ वही नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। इनको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, जिसकी वजह से ये अभी प्यार को छोड़ के अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। इनको लग रहा है कि आपने उनको इतना बड़ा धोखा दिया कि ये जिंदगी में फिर से कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये फिनेंशियली स्टेबल था। आपने इनसे पैसा भी लिया, प्यार में भी धोखा दिया, या तो इन्होंने दिया या तो आपने दिया, जो भी हुआ है आपको पता है। लेकिन इतने सब कुछ करने के बाद भी आपको इतने अच्छे तरीके से रखा, आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, आप बिहेवियर किया, मतलब व्यवहार जिसे बोलते हैं, आपको इतने अच्छे तरीके से रखा, आपको अच्छे खाना पहनना सब कुछ सब तरीके से आपको अच्छे तरीके से रखा, एक रानी की तरह आपको ख्याल रखा आपका, या फिर राजा की तरह अपने स्टेबिलिटी के हिसाब से आपका ख्याल रखा। फिर भी आपने उनको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपने उनका अपमान किया, उनका दिल तोड़ा, पूरी तरीके से उनको बर्बाद कर दिया, ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली स्कॉर्पियो। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है स्कॉर्पियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है स्कॉर्पियो।
और मैं कहूं ये चाहते क्या है, तो जब कार्ड निकाला मैंने, देखा एट ऑफ कप्स हारोफंट एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी, इनका जो स्थिति है, इनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनल बैगेज के साथ ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। जिसका भी एनर्जी है, बंदा ये ठान लिया है कि इतना कुछ देने के बाद एक अच्छे रहन सहन, खाना पीना, पैसे, जेवर, लत्ते सब देने के बाद फिर भी आपने उनको धोखा दिया, परेशान किया, किसी और की वजह से उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ के चले गए, या तो आप या तो वो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो इस स्थिति में ये बंदा चाहेगा क्या? ये अपने इमोशनल बैगेज के साथ जहाँ है वहां रहना नहीं चाहते हैं, मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। और मूव ऑन भी कैसा, ये यूनिवर्स की शरण में जाना चाहते हैं, गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर करना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इतना अच्छा करने के बाद भी उनके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। लेकिन एक चीज देखिए, ये 24/7 इस रिश्ते को याद भी कर रहा है, इसमें जकड़ा भी है, इसे भूल भी नहीं पा रहा है और दुखी भी है और रिश्ते से जाना भी चाहते हैं। ऐसा ये करंटली सोच रहा है कि भाई मेरे जो हालत है, मैं इस रिश्ते में अभी रह नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, इससे अच्छा है मैं मूव ऑन कर जाऊं, अपने बारे में कुछ ना सोचूं, भगवान की शरण में चले जाऊं, उनसे पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जितना भी ये भगवान के बारे में सोचे, मूव ऑन करने के बारे में सोचे, 24/7 ये रिश्ता ही इनको जकड़ के रख रहा है। आपके बारे में ये सोच सोच के परेशान हुए जा रहा है, क्योंकि ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। जाना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। इस हालत में ये भगवान के शरण में आना चाहते हैं कि जो जो करेंगे वही होगा, अब तो मैं हार गया हूँ, भगवान आप ही हो, अल्लाह गॉड जो भी है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, वो सोच रहे भाई अभी मेरा जो स्थिति है इसका मालिक आप हो, आपको जो करवाना है मुझसे करवाओ। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। कभी ये बंदा सोचेगा कि दोबारा से रिश्ते को मौका दिया जाए, क्योंकि ये रिश्ता तो इनके दिमाग से जा नहीं रहा है। ये रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, अपने लिए मेहनत करना चाहेंगे, आपको या फिर खुद के लिए एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोचेंगे, या आपको एक स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोचेंगे, आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इतना सोचने के बाद भी शायद ये आने में देर लगा दे, कम से कम इस हफ्ता इनको ये सोचने में ही वक्त चला जाएगा, ईगो में आ जाएंगे बंदा, अरे मैं क्यों जाऊं, इन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे छोड़ा, इतने अच्छा रखने के बाद भी ये मुझे छोड़ के चले गए, तो ये मैं क्यों जाऊं इनके पास, सोच रहा है बंदा आने के बारे में। आपको भूल नहीं पा रहा है, प्यार करता है या करती है, लेकिन ये इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, स्टेबल ऑफर के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी हफ्ते आपके पास चले आएंगे, तो उनको वक्त लगेगा। ये अपनी ईगो की वजह से, सिर्फ ईगो नहीं कहेंगे, इसे सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहा जा सकता है, खुद को
रोक के रखेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये काम करना है, उनको स्टेबल ऑफर देना है, मेहनत करना है रिश्ते पे, दोबारा से रिश्ते पे मेहनत करेंगे, दोबारा से रिश्ते पे काम करेंगे, रिश्ता सही हो जाएगा। ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक लेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से। देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अनलाइकली, मुझे लगता है जिन चीज को जिस तरीके से आप देख रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो सकता है वो आपकी मंजिल नहीं है। स्कॉर्पियो, आपकी मंजिल अलग है अगर आप अपनी सोच को हटाए, नजर को हटाए, अपना फोकस जो है वो दूसरी तरफ दे। हो सकता है आपने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इस तरीके का हो सकता है, ये बंदा ऐसा हो सकता है। तो आप अगर अपनी सोच को बदले, जो आपके लिए अभी तक के लिए जो नहीं मिल रहा है, हो सकता है ये अभी के लिए आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको अपनी फोकस बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को सोच नहीं रहे हो, जिस तरीके से नहीं सोच रहे हो, अगर आप सोच बदलते हो, अपनी नजरिए बदलते हो, तो आपको वही नापसंद चीज भी पसंद आने लग जाएंगे। मतलब आपको अपनी सोच बदलनी है, फोकस को बदलना है, फिर आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।